अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो मेरा व्लॉग जैसे कि शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं रोड से। तो हम जा रहे हैं आलेन जू है ना, यूएई में सबसे बड़ा ज़ू है। हस्बैंड ने देखा था, मैंने नहीं देखा था। और जब भी हम प्लान करते थे ना कुछ रीज़न्स की वजह से वो कैंसिल ही हो जाता था। तो इस बार हस्बैंड ने बोला कि चलो दिखाता हूँ। और अलैना जो मेरी बेटी है 5 साल की, उसका काफ़ी इंटरेस्ट है ज़ू में। देखिए वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी ज़ू जाने के लिए। तो हम लोगों ने ज़ू का प्लान बना ही लिया। फ्राइडे के दिन अर्ली मॉर्निंग ही निकले थे हम लोग कि धूप भी कम होगी और ट्रैफिक भी कम होगा। लेकिन मेरे घर से काफ़ी दूर था, 2 आवर्स 18 मिनट्स या 20 मिनट्स समथिंग था, पर हम लोग निकल गए थे। और मैंने वीडियो शूट तब किया जब 43 मिनट्स कुछ रिमेनिंग था, बिकॉज़ बच्चे ना एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगाते हैं। इवन अगर आप ट्रैवल बच्चों के साथ कर रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है। और स्पेशली अलीज़ा को लेके तो इट वॉज़ लाइक पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। अब देखिए अलीज़ा भी वीडियो में आएंगी। तो ये है अलीज़ा, ये मेरी 1 साल के अबाव होने वाली है, 1 साल की। तो 1 साल की बेटी है मेरी अलीज़ा, आप देख रहे हो ना। तो ये तो बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं हो पा रही थी कार पे, बहुत मुश्किल तरीके से मैंने मैनेज करा था। और ये है मेरे हस्बैंड मोहम्मद मुजीबुर रहमान। तो यहाँ पे हम लोग फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। मुझे ना ऐसा वाला फैमिली टाइम्स बहुत अच्छा लगता है जहाँ कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा होता, सिर्फ हम अपने आपस में ही बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अलैना अपने डैडा को बहुत प्यार करते हुए, जैसे कि वो हमेशा करती है वो अपने डैडा से बहुत क्लोज है। जब वो अपने डैडा पर आती है ना तो उसका होता है कि सारा अटेंशन उसके डैडा बस उसी को दे। तो आगे ये देखिए, मैं तो आपको बताती हूँ, ये हम लोग आलेन ज़ू ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे। तो आलेन ज़ू की ना मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा थी। आप रोड जैसे एंटर कर रहे हो, यहाँ पे क्लीनलीनेस तो होता ही है, पर इतना ओवर ग्रीनरी मैंने कहीं देखा नहीं था। तो मुझे वो आलेन में ही देखा। तो हम जैसे कि जा रहे हैं, अभी हार्डली 10 या 15 मिनट्स ही बचे थे कुछ आलेन ज़ू रीच होने। तो यहाँ पे ना बहुत स्टाइलिश विल्ला के पैटर्न्स थे, तो मैंने सोचा कि ये भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ अलीज़ा मैडम तो बिल्कुल ही चुप नहीं हो रहे थे, तो मैंने उन्हें मोबाइल कवर दे के चुप बैठा ही दिया। जैसे तैसे करके हर 5 मिनट्स में उनके साथ टॉयस चेंज कर ही मैं अपना टाइम पास कर रही थी। ये देखिए ज़ू का 5 मिनट्स दूरी पर है ना रोड, इतना प्यारा था, इतने फ्लावर्स पर आँखों को एकदम सुकून देने वाला व्यू था। तो मैंने वो भी कैप्चर कर लिया। अब हम ऑलमोस्ट ही रीच हो गए। आप दुबई का रोड देख सकते हैं, नॉट दुबई, यूएई का रोड देख सकते हैं। ये देखिए आगे स्कूल बस जा रही है। तब है ना 12 कुछ बज रहे थे, आ गए हम लोग एंट्रेंस पे। एंट्रेंस पे गए तो एंट्रेंस हमें लगा कि यही वाला जो ये रूम दिख रहा है ना आपको, हमें लगा कि वही टिकट काउंटर का, पर वो टिकट काउंटर नहीं था। हमें टिकट लेने के लिए और अंदर जाना पड़ रहा था। तो रहमान ने कंफर्म किया, पर पता चला कि यहाँ पे टिकट्स नहीं होते हैं, वो मेन गेट पे होते हैं। तो हम गए, अंदर का रास्ता जो था ना, अंदर मेन ज़ू के पहुंचने तक का रास्ता 5 मिनट्स था इधर से। तो इतना प्यारा रोड था, इतना प्यारा रोड था। और हर टाइप के आपको प्लांट्स मिलेंगे। मैंने कैक्टस देखा था, छोटे छोटे कैक्टस प्लांट्स देखा था, पर इतने बड़े बड़े कैक्टस आपको आगे दिखेगा, मैं बताऊंगी आपको। तो इतना बड़ा बड़ा था, वो मेरे लिए बहुत फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और वो बहुत प्यारा भी लग रहा था सामने से, तो मैंने इसको कैप्चर तो किया है, अब आगे आपको वीडियो में ज़रूर दिखेगा। और रोड्स दिख रहे हैं आप, इतना प्यारा, इतना प्यारा। ये हम पहुंच गए हैं आलेन ज़ू में। ये है ना पार्किंग का कार पार्क कर दिया हम लोगों ने। अब हम जा रहे हैं मेन टिकट काउंटर की तरफ। यहाँ पे हमने कार पार्क कर दिया। यहाँ पे अलैना ओवर एक्साइटेड हो गई है, और उसके डैडा भी आ रहे हैं अलीज़ा के साथ। रहमान कुछ कचरा फेंकने के लिए जा रहे हैं लग रहा है। यहाँ अलीज़ा, इन्होंने चलना क्या सीखा है भैया, सारा दिन कहते हैं कि मुझे चलाओ, और चल चल के खुद ही थक जाती हैं। तो हम जा रहे हैं अंदर टिकट काउंटर के पास। रहमान ये वाला मुझे उनका बहुत प्यारा लगा। अलैना, ये था टिकट काउंटर का मेन एंट्रेंस। तो हम लोगों को यहाँ से टिकट लेना था। लकीली ज़्यादा लाइन नहीं थे, मुझे लगा कि काफ़ी रुकना पड़ेगा टिकट काउंटर में। और थोड़ी सी गर्मी ना अब शुरू हो चुकी है यूएई में, फील हो रहा था। और 12 से 3 तक का तो बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा गर्मी था। आप धूप भी देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग टिकट के लिए गए, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, बहुत जल्दी मिल गया। यहाँ पे यूएई का हर करेंसी का टिकट चार्ज लिखा हुआ था, तो मैंने कैप्चर किया है।
अब आ गए हम एंट्री की तरफ। यहाँ मैं और रहमान ये मेन टिकट काउंटर को सिक्योरिटी गार्ड को देना होता है। ये सी ए एंट्रेंस गेट है, हम दोनों चल रहे हैं यहाँ पे। ये था एंट्रेंस गेट। और यहाँ ना साइड में बहुत अच्छा अरबी थीम, मतलब जो लोकल अरबी लोगों का होता है ना, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा। मतलब मैं जो मोमेंट्स मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा अच्छे, मैंने हर को कैप्चर किया। तो हम जैसे कि पूरा यही मेन गेट है एलन जू को एंटर करने का, तो हम एंटर कर चुके थे। अब हम सोच रहे थे कि अब पहुँचते हमें तो 12 ही बज गए, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी नमाज का फ्राइडे का वक्त था और नमाज की भी टाइम हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि नमाज़ पढ़ के ही हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने नमाज रूम पहले सर्च करना स्टार्ट किया कि नमाज पढ़ कर आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो नमाज रूम ना एंट्रेंस से तकरीबन 5 मिनट्स कुछ दूर था, तो हम जा रहे थे नमाज रूम की तरफ। देख रहे हैं आप व्यू कितना ज़बरदस्त है, पर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा ही थी। इतना होप नहीं किया था कि मैंने गर्मी होगी या धूप इतनी तगड़ी होगी, पर था, सही में बहुत धूप था। जा रहे हैं हम लोग नमाज रूम की तरफ। लकीली एंटर करते ही ना ये वाला सेक्शन एनिमल्स का पहले मिल गया, तो यहाँ पे मैंने ये वाला कैप्चर किया था। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा, पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, मुझे इन लोगों को देख के बहुत फील हो रहा था कि कितनी गर्मी में। नमाज रूम मिल गया था हमें, हम जा रहे हैं नमाज रूम की तरफ। उसके बाद ही हम आगे सोचा था कि एनिमल्स को एक्सप्लोर करेंगे। नमाज पढ़ने के बाद ना थोड़ी देर हम लोगों ने कुछ स्नैक्स वगैरह खाए। वहाँ पे ना कैफ़े था, छोटा सा कैफ़े था, वहाँ पे हम लोगों ने छोटा मोटा स्नैक्स लिया, वो खाया। खाकर थोड़ा देर बैठ ही गए थे। रहमान ने ना कहीं पर भी जाते हैं ही नेवर फॉरगेट टू इम्प्रेस मी, वो हमेशा मेरा फ़ोटोज़ खींचते, और वो फ़ोटोज़ जब क्लिक करते हैं ना, मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि रहमान की फ़ोटो खींचने की ना स्किल बहुत अच्छी है। उनकी फ़ोटोग्राफी स्किल जो आप अगर देखोगे, मैं किसी दिन आपको अपलोड करके दिखाऊँगी, हमारी फ़ोटोज़ इतनी, मेरी तो स्पेशली फ़ोटोज़ इतनी अच्छी लेते हैं वो, मुझे बहुत सेटिस्फाइड फील होता है। तो मैं वो जहाँ भी जाते हैं मेरा कैमरा से फ़ोटो लेना ही है उन्हें, तो यहाँ पे भी वही कह रहे थे कि मैं तुम्हारा फ़ोटो लेता हूँ। अब देखिए आपको दिखेगा आगे कि वो कैसे कहते हैं। तो हम लोगों ने फ़ोटो शूट यहाँ पे हल्का किया, और थोड़ा बैठ भी गए थे। फिर इसके बाद बैठना नहीं मिलेगा, अलीज़ा भी सो रही थी। देखा रहमान ने मेरी फ़ोटो क्लिक की, यहाँ पे अलैना मस्ती कर रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना बच्चे कहीं पे भी हम जाते हैं। तो यहाँ पे वो भी वही कर रही थी, ब्लॉक्स बने हुए थे ना यहाँ पे। ये फ्लमिंगो, ये हम लोगों ने जब इंटर किया नमाज रूम से, मेन अब शुरू होता है एनिमल्स देखने का सफ़र। तो सबसे फर्स्ट शुरू में ही फ्लामिंगो हमें मिल गया था। तो फ्लामिंगो का ना एक पॉन्ड बना था, पॉन्ड में इतनी प्यारी मछलियाँ थी, और सारी की इतनी सारी थी कि मैंने तो कभी देखी नहीं थी इतनी सारी। तो मेरे पास ना बैग में ब्रेड का पैकेट था, तो हम लोगों ने उन्हें डाला, तो डालते ही सारी मछलियाँ इकट्ठे हो गई खाने के लिए। आपको वीडियोस में भी दिख रहे होंगे, ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा भी हैं। आगे आप बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए कितनी सारी थी, और इतना प्यारा लग रहा था देखकर। अलैना तो बहुत एंजॉय कर रही थी, अलैना तो कहती थी कि और यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं मम्मा। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें निकलना भी था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी फ़िश को खाना खिलाया और हम निकल गए। ये वही पॉन्ड है जहाँ फ्लेमिंगो है, देख रहे हैं आप, इतनी सारी थी। मैं तो फुल शौक ही हो गई थी इतनी सारी मछलियाँ देखकर, मैंने कभी देखे ही नहीं थे। तो हम ट्रेन लिए, ट्रेन की मदद से, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन्होंने हमें ना मेन जगह पर उतार दिया, क्योंकि काफ़ी चलने का था, बच्चे इतना नहीं चल सकते। ये ज़ू का जो है ना मैप है, बहुत सारे एनिमल्स इन बिटवीन हमने देखे थे लेकिन मैंने कैप्चर नहीं किया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा बच्चों को अलैना को ना फार्म एनिमल्स वो सब ये भी चल रहे हैं, तो वो एक्सप्लेन करना था, मैंने वो सब एक्सप्लेन किए। तो हम आगे जा रहे थे, और है ना ये तो मैंने बहुत ही, ये तो चीज़ मुझे ना चिल्ड्रन ज़ू था वहाँ पे मिला। ये पिकॉक बहुत ही अच्छे से अपना फेदर्स को पूरा स्प्रेड कर चुकी थी, तो मैंने ना इसको कैप्चर किया। ये बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने खुद भी बहुत फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है। यहाँ पे ना फार्म एनिमल्स और पेट एनिमल्स सारा कुछ बच्चों को सिखा रहे बताया हुआ है, तो ये अलैना के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ, बिकॉज़ वो अभी KG 1 में है, और तो उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा एनिमल्स को देखकर। यहाँ भी
पेंगुइंस हैं, ये तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, इतने छोटे 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 से थे, अंदर बर्ड्स भी थे, तो मैंने बर्ड्स वाला कैप्चर नहीं किया, पेंगुइन वाला कैप्चर किया। पेंगुइन वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और बहुत सारे पेंगुइन ना इससे पहले स्विमिंग कर रहे थे, इतना प्यारा लग रहा था, मतलब ये पॉन्ड भर के पेंगुइंस थे, सब स्विमिंग करे और साइड में बन गए, ये देखिए चिल्ड्रन ज़ू। फिर हम गए शेख जायद लर्निंग सेंटर। लर्निंग सेंटर में ना यहाँ पे दुबई के बारे में कुछ मूवी लगने वाली थी, तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें कहा कि आपको अगर मूवी देखना है तो मूवी का टाइम हो रहा है, चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। और हमें दिखाया कि दुबई के बारे में लर्निंग सेंटर था ये, वहाँ पे कैसा हुआ सारा कुछ वो देखा हमने। पर इस ये उससे ज़्यादा ना मुझे थिएटर बहुत प्यारा लगा, ये थिएटर का डिज़ाइन जो था ना मेरी आँखों में अभी तक बस चुका है। ये देखिए वो तो लाइट्स बंद थे, जब लाइट्स ऑन हुए ना मैंने ये कोशिश की कि मैं कैप्चर करके आपको बताऊं, तो है ना ये मैंने ले लिया था, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन था, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। मैं तो रहमान से कह रही थी इतना खूबसूरत डिज़ाइन मैंने देखा ही नहीं था। तो ये तकरीबन 4-5 बजे की वीडियो हमने सारे एनिमल्स को देख लिए थे, पर इतना थक गए थे, भूख भी काफ़ी तेज़ लगी थी, तो रहमान बोले कि कुछ खा कर ही रासल खैमा के लिए निकलते हैं। तो हम रहमान यहाँ पे अपने गूगल मैप में देख रहे थे कि कौन सा नियर रेस्टोरेंट है जो खाना भी अच्छा हो और खा के निकल जाए। तो यहाँ पे रहमान को मिला है कोई सा रेस्टोरेंट, इतना अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत प्यारा, मैं आपको बताती हूँ, एकदम अरबी थीम में था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा से खाना वगैरह खाया और बस खा के निकल गए। इतना ही था आज का वीडियो आलिन ज़ू का, होप करती हूँ आपको पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर करिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।